गुड मॉर्निंग बेटा, लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स। स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिव्या आ जाओ, करो सॉल्व। आवाज ना आए बिल्कुल, चुप करो बिल्कुल। एन एंगल मीन्स एक्स इज मतलब इक्वल टू 20 मोर देन दो एंगल्स है ना, कहता है दो एंगल सप्लीमेंट्री है। एन एंगल इज 20 मोर देन थ्री टाइम्स अ गिवन एंगल। गिवन एंगल एक्स हो जाएगा और वो 20 मोर देन है थ्री टाइम्स अ गिवन एंगल। एक मिनट रुको, स्टेटमेंट दोबारा चेक कर लेंगे। दो एंगल बनेंगे ना, ये एक एंगल क्या होगा एक्स, दूसरा क्या होगा 180 माइनस एक्स। सर उससे लेके करो, एक एक्स ले लो, एक 180 माइनस एक्स। ठीक है ठीक है, हाँ करो। दो एंगल हो गए ना अब आपके पास, अब इनमें वो वैल्यूज लगा दो। एन एंगल इज 20 मोर देन द थ्री टाइम्स द गिवन एंगल। दो गिवन एंगल है ना, एक एक्स है एक 180 माइनस एक्स है। करो सॉल्व। कितना आ रहा है आंसर? एक्चुअली जो ऑप्शन है ना उसमें 130 है ही नहीं। वन ट्वेंटी है, एक मिनट बैठो जरा। एक्चुअली यहाँ पे ना स्टेटमेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। यहाँ क्या कहता है, एक एंगल है जो 20 मोर देन है थ्री टाइम्स अ गिवन एंगल। अब ये दो एंगल की बात कर रहा है, एक है एन एंगल और एक है गिवन एंगल। ठीक है, ये वो कह रहा है यहाँ पे ये। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे करते हैं, ये ऑप्शन वाला है ही नहीं उसमें, आपका 120 कैसे आया, कैसे आया 20 प्लस। एक मिनट दोबारा बोलो, 20 प्लस 3x
120 थोड़ी आ रहा है, एक्स 40 आ गया, यहां पुट कर दो 40, 40। अब आपका एक एंगल 40 आ रहा है, 40 वाली ऑप्शन है। अगर 40 यहां देखो ना, यहां पे क्या कह रहा है आपको, जो आप 120 निकाल रहे हो ना, आंसर 120 नहीं 140 है। कैसे? अगर आप ये 40, दो एंगल है, एक तो एक्स हो गया आपका, कहता है दूसरा एंगल जो है वो 20 मोर देन है 3 टाइम्स एक्स के। अगर आप ये 40 यहाँ पुट करते हो, 40 इंटू 3 120, 120 प्लस 20 कितना हो गया 140। तो दो एंगल आ गए, एक आ गया 140, दूसरा आ गया 40। ठीक है, तो 120 नहीं 140 है, ये आंसर ठीक है, ये ऑप्शन में है, ये आंसर है। एक्चुअली आपने करना पता क्या है, आपने ऐसे करना है, एक एंगल एक्स ले लिया, कहते हैं ये जो एक्स है ना, ये इक्वल है किसके, 3 टाइम्स एक्स प्लस 20, मतलब ये दो एंगल हो गए, एक हो गया एक्स और दूसरा एंगल हो गया 20 मोर देन द 3 टाइम्स द गिवन एंगल, ये गिवन है ना इसका, तो ये दो एंगल हो गए। अब दोनों का सम क्या होगा, 180, ये करना है, ये और ये एक ही है, माइनस एक्स इधर जाके क्या होगा प्लस एक्स, तो मैंने भी तो ये लिखा, तो वो दोनों सेम ही है, एक आ रहा है 40, दूसरा आ रहा है 140। ठीक है, अगर एक आ गया ना, तो आप 180 में से 40 माइनस कर दो, दूसरा 140 आ जाएगा, चाहे उससे नहीं भी निकालो, एक आ गया ना 40, दूसरा 180 माइनस 40 140 आ जाएगा। गुरप्रीत इज देयर इन द क्लास, ऋषिकेश, जगनूर, जयदेव, ऋषिकेश, सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, पहली बात तो ये लाइंस पैरेलल दी नहीं हुई, तो पहली बात लाइंस पैरेलल नहीं गिवन है, तो आप पैरेलल का कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते। लीनियर पेयर से एक्स कितना आ जाएगा, 130, इससे एक वाई क्या आ जाएगा, ये दोनों कौन से एंगल है, दीज एंगल्स आर इक्वल, सो द लाइंस मस्ट बी पैरेलल। सौम्या आ जाओ, न्यासा नेक्स्ट आपकी टर्न,
आप कितनी साइड पे लिख रही हो? स्क्रीन से ही बाहर चले गए, इधर आओ, सेंटर में करो, सेंटर में, बिल्कुल से, और सेंटर में। एक्स क्यों लिया है? एक्स ऑलरेडी फिगर में गिवन है, कुछ और लो। वाई आ गया, जेड आ गया, ठीक है, 3a 7 करो। एक्स ठीक है, ठीक, वन ट्वेंटी सिक्स। नीचे लिखो आंसर, नीचे लिखो बेटा, स्क्रीन पर विजिबल नहीं, नीचे लिखो। इज इट क्लियर? एक्स और जेड ऑल्टरनेट एंगल है, जेड की वैल्यू 7 ही है, तो एक्स भी 7 ही हो जाएगा, ये को इंटीरियर है, यहाँ से ए आ गया, ए की वैल्यू पुट कर दी इसमें, एक्स वाई जेड सब आ सकते हैं, इसमें एक्स फाइंड कर दिया 120, ठीक है। तुम यहाँ से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फोर्थ कौन करेगा? थ्री फोर सिक्स एट टेन 12, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 34, 34, 36, 41, 44, 45, 13। गुरप्रीत, नेक्स्ट टाइम से रोल नंबर सबसे फ्रंट पे होने चाहिए, देन नेम, देन क्लास। 37। राघव, यू आल्सो। 31। जपप्रीत, जपप्रीत रोल नंबर लिख के एंटर करना नेक्स्ट टाइम से। 24। 40। 43। 43।
ये लाइन पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना हो गया? अगर ये 90 है तो ये भी, क्यों? और ये पूरा 126 है, ये 90 है तो ये कितना होगा? 126 माइनस 90 कितना आएगा? 36। ये निकालना। अगर ये पूरा 126 है तो ये भी पूरा क्या होगा? यहां से भी आ सकता है लीनियर पेयर से, करो फाइन। कितनी साइड पे लिख रहे हो बच्चे? सेंटर में आओ इधर। क्या लिख रहे हो ये? प्लस एक्स लिखो या कुछ लिखो तो सही। डन दिस क्वेश्चन। आएगा आंसर, 54 आएगा, माइनस करके 54 आएगा बच्चे। ये एंगल 54 आ गया, ये 126 है अल्टरनेट एंगल। फाइंड क्या करना है? ए जी ई आ गया 126, जी ई एफ आ गया 36, एफ जी ई आ गया 54। ठीक है, जाओ। मगन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर दो, यहीं कर दो, यहीं कर दो, इसी पे कर दो। वहां कहाँ जा रहे हो? हाँ, हाँ जी, यहीं पे बता दो, थोड़ा उधर होके बोलो, इधर टर्न हो। हाँ चलो बोलो। ये पकड़ो,
ये बना एंगल 180 माइनस 130 लीनियर पेयर से, ये वाला एंगल भी लीनियर पेयर से, और ये तो आगे से ये भी आ गया। अच्छा ये ऑल्टरनेट एंगल अगर ऐसे नहीं करना तो ये भी ले सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 130 यहाँ से ये आ जाएगा, कितना आएगा 50, ये लीनियर पेयर से आ जाएगा 70, और ये आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 60, दिस एंगल इज 60 डिग्री। Next, find xy in this. A की वैल्यू फाइंड करनी थी, A ये दिया हुआ था ना 1/3 माइनस 2√2, इसको रैश 1/ आपने ये जो A दिया हुआ था इसको पहले रैशनलाइज कर लेना था, रैशनलाइज 3 भी रूट में था, आंसर 34 आना था इसका आंसर। ऑप्शन assertion based बता दो, उसमें डी ऑप्शन था आंसर, उसमें ये था कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जीरो है, उसमें assertion फॉल्स ही लेकिन रीजन ट्रू था, तो उसका डी ऑप्शन था। और मैम 13th क्वेश्चन, द पॉइंट -20 लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड 04 ऑन एक्स एक्सिस, एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हैज जीरो, रॉन्ग था स्टेटमेंट, रॉन्ग की वो वाली, उसमें गलत हो गए पॉइंट एक्स एक्सिस पे, बोल रहा हूं एजर्शन रॉन्ग थी उसकी।